स्कॉटलैंड में ट्रैफिक के खौफनाक हादसे में एक पाकिस्तानी खातून जान बहक हो गई हैं। ग्लासगो से ताहिर नाम शेख रिपोर्ट करेंगे। बेल्स हिल स्कॉटलैंड की मशहूर हर दिल अजीज समाजी रहनमा 66 साल मिसेस शमीम रशीद ट्रैफिक के एक हादसे में अल्लाह को प्यारी हो गई है। वो अपने हावन 70 साल मिस्टर रशीद के हमरा कार में सफर कर रही थी कि A725 बेल्स हिल बाईपास पर तीन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तमाम जख्मियों को फौरन ग्लासगो के क्वीन एलिजबेथ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां मिसी शमीम जख्मों की ताब ना लाते हुए जान बेहक हो गई। मिसी शमीम की नमाज जनाजा नॉर्थ लेनाक शहर की मस्जिद में अदा की गई। पुलिस सर्जेंट जमा ब्लैकडार ने कहा है कि इस हादसे के बारे में इंक्वायरी जारी है, अगर कोई वाकया का एनी शायद हो तो फौरन पुलिस से राबता कायम करे। कम्युनिटी में इन्होंने बहुत, उनका एक अच्छा मकाम था, बहुत उनका अच्छा रोल था, बहुत उन्होंने हेल्प कर दी थी लोगों की कम्युनिटी डेवलपमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत उन्होंने मिलकर काम किया है, पर्सनली भी लोगों को बहुत सपोर्ट करती थी। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही लविंग और बहुत ही लाइवली पर्सनैलिटी थी, हर काम में जो है वो आगे आगे होती थी और कम्युनिटी में बहुत उनका उनका नाम है। मिसी शमीम के हस्बैंड मिस्टर रशीद, जो कि इस हादसे में खासे ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, अब ऑपरेशन के बाद वो रूबे सेहत हैं। कैमरा मैन नदीम अजबर के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।